अगर आप भी अपने चेहरे के साथ साथ अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, उसको गोरा करना चाहते हैं, अपनी बॉडी से सारी सन टैन को, पिगमेंटेशन को रिमूव करना चाहते हैं, या चाहते हैं आपकी बॉडी एकदम से जो काली पड़ी हुई है उस पर एकदम ग्लोइंग इफेक्ट आ जाए, तो आज मैं लेकर आई हूँ घर पर ऐसा नेचुरल ब्लीच बनाने का तरीका जो बहुत ही आसान है, पैसा बचाओ है और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो रिजल्ट मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, जब करोगे तो खुद ब खुद दिख जाएगा कि मेरा वीडियो कितना ज्यादा इफेक्टिव था। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है ना, क्योंकि सस्ता भी है और रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, कैसे इस नेचुरल ब्लीच को बनाना है और कैसे लगाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरी फैमिली में ऐड तो हो जाए, और साथ में फैमिली के साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बकबक करे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आपको लेना है एक खाली बाउल। बाउल में आपने ऐड करना है 2 चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर क्या करती है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, आपकी स्किन से सारी डेड लेयर को हटाती है और आपकी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देती है। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा चुटकी भर एक्टिवेटर। कौन सा एक्टिवेटर, जो आप घर पे कभी आप ब्लीच यूज करते होगे तो आपके घर पे बचा होगा एक्टिवेटर। अब इसमें ऐड करेंगे हम एक छोटे साइज का पूरा लेमन, पूरे लेमन का जूस आप स्क्वीज कर दीजिए। अब इसमें अपना फोर्थ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इनू। इनू का जो एक पाउच होता है वो आप खरीद लीजिए, उसका जो है आधा पाउच आप इसमें ऐड कर दीजिए। फ्लेवर वाले की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पीना थोड़ी ना, नॉर्मल वाला आप ले लीजिए। मिक्स करने के 2 से 3 मिनट बाद इसको रखिए, और उसके बाद पहले इसका पैच टेस्ट कर लीजिए कि आपके बॉडी पे ये सूट तो कर रहा है ना। और जहां से आप अपने बॉडी के टैनिंग हटाना चाहते हैं, जो आपकी स्किन एकदम काली पड़ गई है धूप में जा जाकर, बहुत ज्यादा सन टैन हो गया है, या आपकी स्किन जहां से ग्लोइंग इफेक्ट लाना चाहते हैं, अपनी स्किन को चमकाना चाहते हैं, उस एरिया पे इसको अच्छे से अप्लाई करें और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। आप चाहें तो इसको अप्लाई अपनी नेक पे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इसका इस्तेमाल फेस पे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फेस के लिए हार्श हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें एक्टिवेटर डाला है, लेमन डाला है, जो आपके फेस पे रिएक्ट कर सकता है। तो फेस के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगी। बॉडी पे आप कहीं भी इसको इस्तेमाल करें, अपनी काली गर्दन पर, अपनी बाजुओं पर, अपनी कोहनियों पर, अपनी टांगों पर, जहां भी आपकी टैनिंग है वहां हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, और इसका रिजल्ट हाथों हाथ आपके सामने होगा। इसमें लेमन पूरा ही स्क्वीज करना है, ये मत पूछना कि आधा कर सकते हैं या 2-3 ड्रॉप्स कर सकते हैं, क्योंकि लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, जो आपके बिल्कुल जो काली पड़ गई ना स्किन, सन टैन हो गया, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। इनू भी आपकी जो मैल है, आपकी डेड लेयर है स्किन पर, काली परत है, उसको काटता है, ठीक है। और साथ में एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर भी क्या करता है, डबल इफेक्टिव तरीके से आपकी जितनी भी बर्निंग है वहाँ पे, यानी काली पड़ी हुई स्किन को साफ करता है। और कॉफी का फायदा आपको मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि आपकी स्किन को वो एक्सफोलिएट करती है, आपकी स्किन पे एक नेचुरल शाइन इफेक्ट लेकर आती है। ये ब्लीच करने के बाद आपको सेम डे अपनी बॉडी पर जहाँ भी आपने इसको अप्लाई करा है साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, नेक्स्ट डे आपको सोप यूज करना है, और इसके बाद अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 18 साल से कम है तो इस चीज को अप्लाई ना करें, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप अबव 18 है तो अपने बच्चे के भी आप स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं फेस छोड़कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।